लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ गीता को? गीता की तबीयत इतनी खराब थी और आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि आते ही छू मंत्र करूंगा और मरीज अच्छा हो जाएगा। बैक प्लीज। मुझे क्या मालूम था बीमारी इतनी बढ़ चुकी है। मैं समझी मामूली बुखार है। मामूली बुखार सही, लेकिन मुझे खबर तो करनी चाहिए थी। इलाज जाते वक्त ठाकुर साहब घर बार की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे। अब कोई ऊंच नीच होगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मुंशी जी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? नर्सिंग होम फोन कीजिए, फौरन ऑक्सीजन भेज दें। ठहरी ठहरी, मैं खुद के देता हूँ। और हाँ, आप विलायत एक केबल कीजिए कि गीता की तबीयत बहुत नाजुक है, ठाकुर साहब को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। जाइए जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी ना? गीता, मैं आ गया हूं। गीता, मैं आ गया हूं। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब मालूम होते हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। जी कैसे मिजाज हैं? ठाकुर साहब घर में हैं? घर में तो हैं। कहिए कोई खास काम है क्या? जी हाँ कोई खास काम ही था, उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। मगर वो किसी से मिलना जरूरी नहीं समझते। देखिए बात दरअसल देखिए बात ये है कि जब से उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है न वो किसी से मिलते हैं न कहीं आते जाते हैं। ये तो मैं जानता हूँ मुंशी जी, मगर आप उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि इंस्पेक्टर दलजीत आए। कोई फायदा नहीं, ना आप उनसे मिल सकते हैं ना वो आपसे मिल सकते हैं।
नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। आप ठाकुर से मिलने आए? जी हाँ, बहुत जरूरी काम था, वरना मैं आपको तकलीफ नहीं देता। अच्छा हुआ आप आए, उनका ध्यान कहीं और तो लगेगा। आइए। गीता की तस्वीर और उसका गाना, खाना पीना सब छोड़ दिया है, इसी हाल में पड़े रहते हैं। बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुमसे मिलने आए हैं। बैठिए। शुक्रिया। आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? ये तो गीता की तस्वीर है आपके पास। जी नहीं, ये उनकी तस्वीर नहीं है। देखिए, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं उसे आप बहुत गौर से सुनिए। हमारे हाथ एक अजीब सा केस आ गया है। अभी कुछ दिनों की बात है कि डाकुओं के ग्रोह से हमारा एनकाउंटर हुआ, और इस एनकाउंटर में दो डाकू मारे गए और भागते हुए में से एक लड़की गिरफ्तार हुई। लोगों में से कोई इन दोनों को पहचानता है? नहीं साहब। घबराने की कोई बात नहीं, आप तो ये मर चुके हैं। डरो मत, नजदीक जाके देखो, इसमें डरने की कौन सी बात है? माफ करना साहब, इनको तो बस पुलिस ही नहीं जाने हैं, बाकी मारे गांव को तो बच्चों बच्चों जाने हैं। ये सूर्यवर सिंह डाकू के गरोह के आदमी हैं, दूर दूर तक ठाक बंदी है यहाँ की, सैकड़ों खून कर डाले हैं। मगर साहब, फिर भी काम तो आधो ही बनो। आधा क्यों? इनको सरदार मिलना चाहिए थो, वो जिंदो रहेगो तो दूसरों गिरोह बनावेगो। घबराने की कोई बात नहीं है, अब इनका गिरोह नहीं बनेगा। नीचे उतरो। आगे चलो। इस लड़की को कोई पहचानता है? कोई इसे पहचानता है? लैंप लाओ। मैं इसे जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। गए साल देवी का मेला भरा था, यह औरत मंदिर के सामने नाच रही थी, रात का वक्त था। आ,
हैं, इसी ने गांव में लाके डलवाए हैं। इसे छोड़िए नहीं, ये औरत नहीं, चुड़ैल है, कलंक नहीं है, बेसवा है। चौधरी खामोश रहिए आप। कांस्टेबल चौधरी साहब का बयान ले लो, और जहाँ ये औरत पकड़ी गई थी वहां से जो चीजें बरामद हुई हैं। आप तो घर आकर देख चुके, राकेश किस तरह हर वक्त बहू के ध्यान में खोया रहता है। जी हाँ, अभी चीता की राख ठंडी भी नहीं हुई, उनके घाव हरे हैं, और आपने ये सब शुरू कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको और ठाकुर साहब को यहाँ आने की तकलीफ दी, मगर यकीन जानिए कि मैं भी मजबूर हूँ, कानून की जरूरत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। देखिए आप कुछ भी कीजिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, राकेश को यहाँ मत बुलाइए। मैं चाहती हूँ वो इस दुख को भूल जाए, अगर आप रोज रोज उसे यहाँ बुलाएंगे तो वो इस दुख को कभी नहीं भूलेगा। विश्वास कीजिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मुझे खुद ठाकुर साहब से बहुत हमदर्दी है, जहां तक हो सकेगा मैं उनको यहाँ आने की तकलीफ नहीं दूंगा। शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते।
ड्राइवर साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो उसकी बीवी नहीं। कल से उसका मुकदमा शुरू हो रहा है, हमारा उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। मैं कहती हूँ मैंने किसी की जेब में हाथ नहीं डाला। तुम फिर यहाँ आई हो, अब क्या केस है? इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारी ही चौकी के सामने एक आदमी की जेब में हाथ डाल दिया, जब उसने पकड़ा तो उसके गले पड़ गई और गाली देने लगी। अच्छा, तो इन्हें अंदर की गर्म हवा खिलाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसे कहाँ चश्मा लगा है? चल चल, चश्मे की बच्ची, अच्छी तरह जानता हूँ। उठ जा बेटी। नंबर 227 स्टेट वर्सेस मुसम्मात रैना। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो तुम्हें पढ़कर सुनाया जाता है। तुम पर इल्जाम ये है कि मुलजिम गंगा सिंह ईश्वर सिंह जो पुलिस की गोली से हलाक हो गए और मुलजिम सूर्यवर सिंह जी जो फरार हैं, इन सब ने और तुमने मिलकर कत्लो गारत और लूटमार की नीयत से एक गिरोह बनाया और 24 जनवरी की रात को जिला मोहना के अलूनी गांव में आधी रात के वक्त झूमरमल पोहूमल शराब की दुकान पर डाका डाला। उस रात नौटंकी के तमाशे के बहाने तुम लोगों ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दूसरे साथियों को डाका डालने में मदद दी। इसके साथ सिद्धू मुखिया को अपने खंजर से जख्मी किया, इसलिए तुम पर ताजी रात हिंद की दफा 120 बे 396 और दफा 326 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। योर ऑनर, इस केस के बारे में जो कुछ बहस थी मैं कल खत्म कर चुका हूँ, जरूरी गवाह भी पेश हो चुके हैं। मुलजिमा को अगर अपनी सफाई में कुछ कहना है वो कह सकती है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो तुमने सुना, क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? तुम्हें जो कुछ कहना है इशारों से मत कहो, तुम्हारी हां या ना अदालत तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती है। घबराओ मत, जब तक तुम्हारा गुनाह साबित नहीं हो जाएगा अदालत तुम्हें बेगुनाह और मासूम समझेगी। तुमसे फिर दरियाफ्त किया जाता है, क्या तुम अपने गुनाह को कबूल करती हो? नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं वो औरत ही नहीं जिस पर ये इल्जाम लगाए गए हैं, मैं तो शहर के नामी वकील ठाकुर राकेश सिंह की बीवी हूँ। योर ऑनर, ठाकुर राकेश सिंह की बीवी मर चुकी है। पहचान के लिए ठाकुर राकेश सिंह को पुलिस स्टेशन बुलवाया गया था, जहां उन्होंने ये बयान दिया कि मुलजमा उनकी बीवी नहीं है। ये माना कि ठाकुर राकेश सिंह इस औरत को अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन ये औरत उनकी बीवी है या नहीं इसका फैसला ठाकुर राकेश सिंह नहीं बल्कि ये अदालत करेगी। और हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने केस में किसी अच्छे वकील को पेश कर सकती। मैं अभी कह चुकी हूँ, मेरे पति खुद बहुत बड़े वकील हैं, मुझे किसी और वकील की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ठाकुर राकेश सिंह अब इस अदालत में बहैसियत गवाह के आने वाले हैं एंड ही इज माय मेन विटनेस। जाहिर है अब वो मुलजमा की तरफ से मुकदमा नहीं ले सकते। क्या तुम किसी और वकील का मशवरा लेना पसंद करोगी? जी नहीं। तुम चाहो तो अपनी सफाई खुद पेश कर सकती हो। मुझे मंजूर है। तुम्हारा कोई गवाह है? मेरे गवाह भी मेरे पति ठाकुर राकेश सिंह हैं। ठाकुर राकेश सिंह के नाम सम्मन जारी किए जाएं। आप लोग बिल्कुल निर्दयी हो, मेरा बेटा पहले से इतना परेशान है, ऊपर से आप लोग उसे कचहरी बुला रहे हैं। उन्होंने पुलिस चौकी में पहले ही कह दिया था कि वो उस औरत को बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी आप ये समझ लेकर आ गए। सरकार, हम क्या करें, ये कानून है, जैसा हुक्म होता है वैसा ही करना पड़ता है। ठाकुर साहब कहाँ हैं? उन्हें ये समझ सर्व करनी है। ऊपर अपने कमरे में है, आइए मेरे साथ। मुंशी जी, वो औरत कचहरी में क्या कह रही थी?
वो कह रही थी कि वो मालकिन है। बहुत खूब बहुत खूब, तो हमें उसे घर लाना चाहिए। अबे घोचू, अपनी मालकिन तो मर चुकी है। तो वो कौन थी? वो डाकू थी, डाकू। तो क्यों कह रही थी मैं मालकिन हूँ? अरे इसलिए कि वो मालकिन की जगह लेना चाहती थी। हाँ, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए थी। क्या भगता है? क्योंकि ठाकुर साहब बेचारे अकेले हैं। वो आ जाएगी, ठाकुर साहब खुश हो जाएंगे। अबे घनचक्कर, तूने कितनी गोलियां खाई हैं? तीन। तू एक और खा ले, लेकिन चाल चल। मुंशी जी। हाँ। वो औरत कचेरी में क्या कह रही थी? नहीं समझा तो समझाओ बेटा। मान ले कि तेरा बाप मर गया है। मरने दो। और तेरी माँ जवान है, पैसे वाली है। है नहीं। कौन नहीं है? माँ। अरे है, मान ले। और कोई आदमी ये कहे कि वो उसका खत्म है, साले को 500 जूते मारो। बस बस बस, बस। समझा? चल चल। सरगम। शलगम? अबे शलगम का मौसम ही कहाँ है? अरे शलगम नहीं, सरगम का मौसम है। सुन, मुंशी जी मुझे बुलाया। बांकी जी मुझे भी बुलाया। हम दोनों बेखबर नहीं है, निकालते हैं कोई रास्ता। जी जी, हाँ। ये रोज इधर कहाँ जाती है? जाने दे, वापस तो इधर से ही आएगी ना। आके कहेगी मुंशी जी, मुझे कहेगी बांके जी। चल चल चल। मुंशी जी, वो औरत कचेरी में क्या कह रही थी? तो डॉक्टर चीनी वही एक चम्मच? जी हाँ, वही एक चम्मच। बिफोर 40 मोर ऑफ शुगर, आफ्टर 40 लेस ऑफ शुगर। दुरुस्त है। थैंक यू। 10 बजे। पीपी साहब, आपके यहाँ चाय बहुत बढ़िया बनती है। आप कौन सी चाय पीते हैं? नाम तो नहीं बताऊंगा। क्यों? कम से कम आप इस वजह से तशरीफ तो ले आते हैं। अरे साहब, आपके साथ घड़ी दो घड़ी बैठना सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए ना, इधर उधर की बातें होती हैं, जी बहल जाता है, वरना वही कोर्ट कचहरी पकड़ धकड़। यकीन जानिए, कोर्ट में खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है। वाकई साहब, हिम्मत का काम है। अब देखिए, मैं तो एक इसी मुकदमे से तंग आ चुका हूँ। क्या कलेजा है इस औरत का। एक दर्जन से ज्यादा गवाहियां हो चुकी हैं। उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि ठाकुर साहब की बीवी मर चुकी है, लेकिन ये औरत कितनी दीदा दलेरी से यही कहे जा रही है कि मैं ठाकुर साहब की बीवी हूँ, जरा भी नहीं डरती। हाँ, डरेगी कैसे डॉक्टर साहब? जो औरत पुलिस की गोलियों से नहीं डरती, तो सोचिए कि वो वकीलों की बहस से क्या डरेगी। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। वो क्या? उसने ठाकुर राकेश सिंह को अपना गवाह बनाकर अदालत में बुलवा तो लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो कितने बड़े वकील हैं। उसके लिए उनके सामने खड़ा रहना 2 घंटे के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो। क्यों? ठाकुर राकेश सिंह। ठाकुर राकेश सिंह। ठाकुर राकेश सिंह। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा।
मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? ठाकुर राकेश सिंह। आप मुजमा को पहचानते हैं? जी नहीं। मुलजमा को गौर से देखिए। मुलजमा का दावा है कि वो आपकी पत्नी है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है, मेरी पत्नी मर चुकी है। गवाह मुलजमा का ये कहना कि वो आपकी पत्नी है सच नहीं? मुलजमा का ये कहना सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। योर ऑनर, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मुलजिमा जिसे अपना सबसे बड़ा और अहम गवाह समझे, वही इस बात से बिल्कुल इनकार करे कि वो उसकी बीवी है। यानी इसके दूसरे मायने ये हुए कि मुलजिमा कातिल और डाकू है। उस पर जो चार्जशीट लगाई गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिमा को अदालत का वक्त जाया करने का और मौका न दिया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में ठाकुर राकेश सिंह से और कुछ पूछना चाहती हो? मैं कुछ इनसे सवाल करना चाहती हूँ जज साहब, और उम्मीद रखती हूँ ये उनका सही सही जवाब देंगे। योर ऑनर, मैं अपना और वक्त खराब नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कि मेरी बीवी मर चुकी है, और मैं नहीं चाहता कोई मेरी मरी बीवी के बारे में तरह तरह के सवाल करके मेरे जज्बात को ठेस लगाए। मैं एक बार फिर कहूंगा योर ऑनर, मैं इस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। ठाकुर राकेश सिंह, जिस तरह इस अदालत ने आपकी हर बात को सब्र से सुना, उसी तरह ये अदालत इस लड़की को सफाई पेश करने के लिए पूरा पूरा मौका देना चाहती है। इस सिलसिले में अगर आपसे ये कोई सवाल करना चाहे तो उसका ठीक ठीक जवाब देना होगा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मुझे आपसे पूछना है कि मेरा मतलब है, क्या पूछूं? योर ऑनर, ये औरत क्या पूछना चाहती है मैं कुछ नहीं समझा। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, मैं समझता हूँ मुलजमा मुझसे कुछ पूछना ही नहीं चाहती। ये बिलावजह अदालत का वक्त जाया कर रही है। घबराने की कोई बात नहीं, जो तुम्हें पूछना है आराम से पूछो, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आपको ये बात याद है? कौन सी बात? हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं हुई। हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए। हमारी शादी शास्त्रों के रिवाज के मुताबिक हुई थी। इसमें कौन सी नई बात है? हर शादी शास्त्रों के रिवाज के मुताबिक होती है। हमारी शादी मार्च की 7 तारीख को हुई थी। मेरी शादी मार्च की 7 तारीख को हुई थी। मेरी बातों का जवाब देते वक्त उधर क्यों देखते हैं? मेरी तरफ देखकर जवाब दीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। तुम सवाल पूछती जाओ, मैं अदालत को जवाब दे रहा हूं। अच्छा, जिसके प्यार की खातिर आप मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहते, आप उसी की तस्वीर अपने मन की आंखों के सामने लाइए। उसे याद कीजिए जिसे प्यार से आप कभी गीता कभी गीते कहा करते थे, जिस पर आप अपना तन मन धन निछावर करते थे, जिसे आप बहुत बहुत प्यार करते थे। आपको उसके प्यार की कसम। अब मेरी तरफ देखिए और अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, क्या मैं वही औरत नहीं जो अभी अभी आपके ख्यालों में थी, आपकी पत्नी गीता? बताइए, हूं ना मैं वही? हूं ना मैं वही? हूं ना मैं वही? इसमें कोई शक नहीं, तुम बिल्कुल मेरी बीवी से मिलती हो। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी गीता से मिलती है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां
वकील साहब सुबह हो गई है। उठिए, आज अदालत है। लगता है यूं नहीं उठेंगे, उठाना पड़ेगा। क्या करती हो? तो फिर उठिए ना। मैं तो कहता हूँ तुम यहीं लेट जाओ। मुझे इतना काम पड़ा है। काम को अगली तारीख दे दो। अगली तारीख दे दो? घर को भी अदालत समझ रखा है क्या? अदालत तो नहीं मेरी जान, लेकिन हमने घर को कुछ और ही समझ रखा है। क्या समझ रखा है? हुस्न की देवी का मंदिर, और वो देवी तुम हो। रहने दीजिए, हम इस खुशामद में नहीं आने वाले। चलिए उठिए, चाय ठंडी हो रही है। नहीं, हमें नहीं चाय पीना। हाँ तो फिर क्या पीना है? स्वर्ग में देवता लोग क्या पीते हैं? अमृत। तो अपने गुलाबी गुलाबी होंठों से आज हमें अमृत पिला दो। आज अदालत बंद है क्या, जो यहाँ लेटे लेटे उठपटांग कह रहे हैं? अदालत तो खुली है, लेकिन बंदा नहीं जाने वाला। तो फिर सारा दिन औरतों की तरह घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? बस यूं ही लेटे लेटे गप्पे मारेंगे। बड़े बेशरम हो गए हैं। राधा मौसी देखेंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी, बहू इतनी सियानी है कि आते ही पति को यूं मुट्ठी में कर लिया। हाँ, शायद इसलिए वो कह रही थी। क्या कह रही थी? आपके साथ मंदिर जाने के लिए। मंदिर के लिए तुम ही काफी हो, मुझे वहां कहां घसीटती हो? आप समझे नहीं। तुम समझा दो। मन्नत मानने के लिए। मन्नत? आप तो बिल्कुल बुद्धू हैं। ओ आई सी, तुम्हारा मतलब है छोटा छोटा बाबा यानी जूनियर ठाकुर। हाउ स्वीट। लेकिन ये जूनियर ठाकुर का मंदिर से क्या वास्ता? हाँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ, राधा मौसी बोल रही हैं। राधा मौसी के कहने से तुमसे शादी की, अब मंदिर भी चलेंगे। कितने अच्छे हो तुम। ये भी राधा मौसी ने सिखाया क्या? हम नहीं जानते। चलो उठो ना। एक झपकी और ले लूंगा। तुम चाय तैयार करो और मैं 5 मिनट में आया। हाँ, 5 मिनट में नहीं आएंगे तो ठंडा पानी डाल दूंगी आप पे। डन डन। साहब उठिए, आज कोर्ट जाना है, मुकदमे की तारीख है। ओहो, तुम कहां से आ गए? जाओ जाके मेम साहब को पे। डॉक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। आप तो मेरे बेटे की हालत देख रहे हैं। देख रहा हूं। कभी गीता की तस्वीर के सामने गुमसुम खड़े रहते हैं, कभी घंटों उसकी समाधि पर बैठे रहते हैं, कभी कमरा बंद करके उसकी आवाज सुनते रहते हैं। और उस पर ये मुकदमा शुरू हो गया। बताइए क्या हाल होगा उनका? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कहीं बाहर भेज दिया जाए, लंदन, फ्रांस, कहीं भी। बाहर चले जाने से उनका ध्यान बढ़ जाएगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहन जी, अव्वल तो ये मुकदमा ही झूठा है, पहली नहीं तो दूसरी पेशी में खत्म हो जाएगा, और फिर झूठ के कहीं पांव होते हैं। सरकारी वकील साहब, तो आप ये मानते हैं कि इस लड़की की शक ठाकुर राकेश सिंह की बीवी से मिलती है? योर ऑनर, इसके हमशक्ल होने से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इसका दावा है कि ये ठाकुर राकेश सिंह की बीवी है, जो हम साबित कर चुके हैं कि ठाकुर राकेश सिंह की बीवी मर चुकी है। तुमने अब तक जो सवाल ठाकुर राकेश सिंह से किए हैं, उन्हें कोई भी जान सकता है, और फिर उनसे ये साबित नहीं होता कि तुम उनकी बीवी हो। बहुत अच्छा, अब मैं वही सवाल पूछूंगी जिनसे ये साबित हो जाए कि मैं इनकी बीवी हूं। आपको याद है कि टोली के बाद कार में बैठते हुए मेरा आंचल कार के दरवाजे में फंस गया था, और आपने उसे छुड़ाया था। हमारी कार जब शहर से बाहर निकल आई तो सामने दूज का चांद बहुत सुहाना दिखाई दे रहा था। आप कभी चांद की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ।
अचानक आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, ए चांद, तू तो दूज का चांद है, थोड़ी देर के बाद तू तो छुप जाएगा, लेकिन ये चांद जो मेरे पहलू में है, ये तो सुख और मोहब्बत का चांद है, तू इसके नाखून के बराबर भी नहीं। काकुर राकेश सिंह, क्या ये लड़की ठीक कहती है? ठीक कहती है योर ऑनर, बट द आंसर इज वेरी सिंपल। ये सब कुछ मेरी उस किताब में छप चुका है जिसका नाम सुषमा है, और ये टुकड़ा इस लड़की ने वहीं से याद कर लिया होगा। ठाकुर साहब, अदालत इस बात को तस्लीम करती है कि ये सब कुछ इस लड़की ने आपकी किताब से पढ़ लिया होगा, लेकिन इस लड़की को ये कैसे पता चला कि आपने कार में अपनी बीवी से यही बात कही थी? योर ऑनर, शोफर गाड़ी चला रहा था, उसने ये बात सुनी होगी और कहीं दोहराई होगी। हो सकता है। क्या ये भी सुनी सुनाई बात है? कौन सी? जो मैं अब आपसे पूछने वाली हूँ। पूछिए। आप मंदिर जाते हैं? नहीं। आप मंदिर कभी नहीं गए? कभी नहीं। ओ हाँ, याद आया, एक बार गया था। आपको वहां जाने पर किसने मजबूर किया था? मेरी बीवी ने। मैं आपको बताऊं, आपकी बीवी आपको वहां क्यों और कैसे ले गई? अगर इतना कुछ याद है तो ये भी याद होगा, उस दिन सवेरे सवेरे मैं आपको जगाने आई थी, आप कुछ देर और सोना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने कहा अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं ठंडा पानी डाल दूंगी। आपने मुझे वहीं बिठा लिया और लगावट की बातें करने लगे। उसी वक्त बातों ही बातों में मैंने आपको मंदिर जाने के लिए राजी करवा लिया था। आपको याद है? मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं ही आपकी बीवी हूं, मेरे सिवा और ये बात कोई नहीं जान सकता। नॉनसेंस, जरूर जान सकता है, ये बात तो सारे मोहल्ले में फैल गई थी, मोहल्ले के लोग मुझे हंस हंस के देख रहे थे, सबको मालूम हो गया था कि मैं अपने बच्चे की मन्नत मानने मंदिर गया था। देखो, अभी तक तुम इनसे वो बातें पूछ रही हो जो हर कोई जान सकता है, अब तुम इनसे वो बातें पूछो जो सिर्फ तुम्हारे और इनके दरमियान हुई हो। कमीज उतारिए। What do you mean? मैं कहती हूँ अपनी कमीज उतारिए। अब मैं वो पहचान बताऊंगी जो आप खुद भी नहीं जानते। आपकी पीठ पर दाएं हाथ की तरफ एक काला तिल है। Your Honor, ये पहचान हो रही है या नाटक हो रहा है? भरी अदालत में एक तिल देखने के लिए शरीफ आदमी की कमीज उतरवा जा रही है। शुक्र कीजिए प्रोसिक्यूटर साहब कि सिर्फ कमीज ही उतारने को कहा जा रहा है। ठाकुर साहब, आपको कमीज उतारने में क्या इनकार हो सकता है? जब मैं विलायत में था तो आपने घर में कोई नया नौकर तो नहीं रखा था? कोई तो नहीं बेटा। आपने कोई गोली वोली खा के यहां की बात बाहर तो नहीं की? तो आप जाइए यहां से। साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप विलायत में थे तो घर में एक चोरी हुई थी। चोरी? जी हाँ, मगर घर से कोई चीज गई नहीं। क्या बकवास करते हैं आप, जाइए यहां से। मौसी। क्या बेटा? उसको कैसे पता चला कि मेरे यहां तिल है? उस औरत को यह कैसे पता चला कि अपने मालिक के पीठ पर तिल है? मैंने तो नहीं बताया। जवाब नहीं तेरा। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी खाल में भूस भरवा के अजायब खाने में रख दूंगा।
वहां भी दोनों साथ होंगे ना? चुप। अकेली क्या दीवानों से सर टकराएगी? बाकी जी, जवानी दीवानी होती है दीवानी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुंशी जी? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आवाज तो दोनों को देती है। अरे जालिम, ये तो अदा है। ये अदा क्या होती है? होती है ये चीज लड़कियों में होती है, लड़कों में नहीं होती। अबे खोचो, तूने कितनी गोलियां खाई आज? आज खाई नहीं। तो खले एक और चाल चल। लड़कों में नहीं होती। फीला कहा? हाँ। चल चाल चल। हाँ मुंशी जी। उस औरत को कैसे पता चला कि ठाकुर साहब के पीठ पे तिल है? इस औरत को कैसे पता चला कि ठाकुर साहब की पीठ पर एक तिल है? भाई मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैंने बड़े बड़े वकील देखे, बड़े बड़े बैरिस्टर देखे, मगर इतना तोड़ जोड़ करते किसी को नहीं देखा जितना ये औरत करती है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने 25 साल के प्रैक्टिस में इतना उलझावा केस नहीं देखा, लेकिन इंटरेस्टिंग इतना है कि मुझे मजा आ रहा है। ये तो वकील साहब, आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन जरा ठाकुर साहब का तो सोचिए। एक तरफ तो उनकी बीवी का भी अभी इंतकाल हुआ, दूसरी तरफ एक औरत अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रही है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। ऐसे हालत में कोई भी पागल हो सकता है। योर ऑनर, मैंने कई बार कहा मेरी बीवी मर चुकी है। मैं इस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पहचानने से इनकार करते हैं। मैं कहती हूँ मैं आपकी बीवी हूँ, आप मानते क्यों नहीं है? क्या मेरी बात आपकी समझ नहीं आती? क्या आप देख नहीं सकते? आप अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। मैं सामने खड़ी हूँ और आप कहते मैं आपकी बीवी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो। तुम झूठी हो, फरेबी हो, मक्कार हो, दगाबाज हो। मेरी बीवी की जगह रहना चाहती हो, तुम उसकी आत्मा को दुख पहुंचाना चाहती हो, लेकिन ये मैं तुम्हें हरगिज़ हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए मुकदमा खत्म हो चुका है। आपकी ज़हनी हालत को देखते हुए आपके साथ सख्ती का बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन अगर आइंदा आपने कोई ऐसी हरकत की तो यू विल बी हेल्ड अप फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑलराइट। क्या आप इस बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि ये लड़की आपके बारे में इतनी करीबी बातें कैसे जानती है? मैं खुद हैरान हूं योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। जज साहब, ये साबित करने के लिए कि मैं इनकी बीवी हूं, मैं एक और सबूत पेश करना चाहती हूं। और क्या सबूत है? वो मैं इन्हीं को दूंगी। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं इन्हें अकेले में मिलना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, ये लड़की आपको अकेले में मिलना चाहती है, क्या आपको कोई एतराज है? नहीं योर ऑनर, मैं मिलूंगा। अजीब कैसे समझ में नहीं आता। आप लोग ठहरिए, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इस कमरे में उस लड़की और ठाकुर साहब में अकेले में बातचीत हो रही है, इसलिए आप लोग उस रास्ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर राकेश, अदालत ये जानना चाहती है कि मुलजमा से आपकी तन्हाई में क्या बातें हुई। योर ऑनर, मुलजमा ने मेरे बारे में चंद ऐसी बातें बताई हैं जो सिर्फ एक बीवी ही अपने शौहर के बारे में जान सकती है।
लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरी बीवी नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरी बीवी ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था, मैंने अपने हाथों से उसकी चिता में आग लगाई थी। अगर ये औरत मेरी बीवी होने का दावा करती है तो ये झूठ बोलती है, अदालत को धोखा देती है। लेकिन आपने अभी ये तस्लीम किया है कि इसने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ एक बीवी ही अपने शौहर के बारे में जान सकती है, इसका आपके पास क्या जवाब है? इसका जवाब यही है योर ऑनर कि इस औरत की सूरत मेरी बीवी से बिल्कुल मिलती जुलती है, ये उसकी हमशक्ल है और इसी बात का फायदा उठाकर ये फांसी के तख्ते से बचना चाहती है। लेकिन योर ऑनर, मैं इस बात का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर देना चाहता हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये औरत झूठी है, मक्कार है, ये औरत मेरी बीवी नहीं है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इस औरत से जिरह करने का मौका दिया जाए। मगर आप तो यहाँ गवाह की हैसियत से बुलाए गए हैं, मुलजमा पे जिरह कैसे कर सकते हैं, ये गैर कानूनी। योर ऑनर, मैं भी एक वकील हूँ और प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपील होने की इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं मुलजमा से चंद सवाल पूछ सकूँ। क्योंकि ये केस एक अजीबा गरीब केस है, इसे सुलझाने के लिए आपको इजाजत दी जाती है। अदालत कल पर मुलतवी की जाती है। पहले आज ही के दिन हरियाली आई थी मेरे घर में, बहू दुल्हन बनकर आई थी, सारी हवेली मेहमानों से भर गई थी। हर साल किस धूमधाम से हम इस दिन को मनाते थे, पिछले साल भी कितने मेहमान आए थे, पार्टी में मालकिन ने कितना खूबसूरत गाना गाया था, और आज आज कुछ भी नहीं, न उनकी वो मीठी आवाज, न उनकी वो हंसी, सब सुनसान हो गया। इस वक्त मेरे बेटे के दिल पर जाने क्या बीत रही होगी। तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक है आपको? क्या करूं, ये कैमरा मानता ही नहीं, कहता है कि बस इस खूबसूरत लड़की की तस्वीरें उतारते ही जाओ, उतारते ही जाओ। क्या करेंगे इतनी सारी तस्वीरों को? चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। ओहो, शायर भी बन गए आप? तुम न जाने क्या क्या बना दोगी डार्लिंग, अगर मैं शायर होता तो मैं तो क्या, कोई ऐसा शेर तो न कहते, साया पलकों का न चुभ जाए तने नाजुक में। वाह वाह, साया पलकों का न चुभ जाए तने नाजुक में, आगे। उनसे कहता हूँ जो आँखों में बसा करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हुजूरे वाला, अगर मैं ये न कहता तो फिर और क्या कहता? आप आप तो कुछ यूं कहते, नैनू वाले ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनू ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा, आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे। चोरी के शेर है, आप तो कुछ यूं कहते। नैनो
सब फरमाइशें एक भी हमसे न टाली जाएगी, आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी। प्यार के कैदी जरा संभल जा। ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। अगर मुझसे प्यार होता तो यूँ ना कहते। तो क्या कहता? नाजो अदा से चांद के आगे घूंघट जब सर गाए, वो आती है जाती है, आज आवाज भी नहीं दिया। अबे घुच्चू राम, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहा, पहले लड़के को आवाज देनी चाहिए, मालूम तो हो कि वो चाहती किसे। नहीं, अगर मुझे पसंद कर दिया तो? तो क्या हुआ, की कहाँ गया? खिचड़ी में। बस शादी तूने की या मैंने की, बात एक ही है। मुंशी जी मैंने एक बात सोची है। ए तू गोली खा, सोचने का काम तेरा नहीं, समझा? मगर एक बार सोच लिया तो क्या हो गया? अच्छा बोल। नहीं, अगर मेरी बात पसंद आ गई तो टंटा ही मिल गया। मैं कहता हूँ, तू बोलेगा कि नहीं? नहीं बोलता हूँ, और अपनी दोनों की यारी वैसी की वैसी रहेगी। अरे तू कुछ फूट पड़ेगा कि नहीं? नहीं फूटता हूँ, गुस्सा मत कीजिए। मैंने ये सोचा है कि हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। तूने बहुत अच्छा सोचा, तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देख खर्चा आधा आधा हो जाएगा। हाँ। दाल तू लाएगा तो आटा मैं लाऊंगा। हाँ। सलवार का कपड़ा तू लाएगा तो चोली का कपड़ा मैं लाऊंगा। हाँ। मकान का भाड़ा तू देगा तो ऊपर का काम मैं क्या करूंगा। मेरे साथ कहो, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं अब तक भी तो सच ही बोल रही थी। मैं जो कह रहा हूँ वही कहो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम? गीता।
तुम्हारा नाम गीता नहीं रहना है। लेकिन जज साहब, मेरा नाम गीता है। तुम्हारा नाम जो भी हो, ये मुकदमा तुम पर रायना के नाम से चलाया जा रहा है, इसलिए तुम्हें रायना के नाम से ही जवाब देना होगा। कसम खाकर भी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? देखो, ये कानूनी कार्रवाई है। आप कहते हैं तो मैं बोल देती हूँ। मेरा नाम रायना है। हाँ तो ये बताओ, तुम पर इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है, तुमने अपने किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था। किसे? अपने पति को, आपको। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। पति के सिवा तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है? आपकी बीवी का और कोई रिश्तेदार था? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तुम नहीं। मेरी बात का जवाब दो, पति के सिवा तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है? राकेश साहब, ये औरत जानना चाहती है, क्या आपकी बीवी का और कोई रिश्तेदार भी था? नो योर ऑनर, मेरी बीवी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, उसके माँ बाप मर चुके थे। माँ बाप के अलावा कोई बहन भाई भी था? नो योर ऑनर। ये बात नोट कर ली जाए, कार्रवाई जारी रहे। इंस्पेक्टर दलजीत सिंह ने तुम्हें लालगढ़ की पहाड़ियों में गिरफ्तार किया था, क्या ये बात सच है? हाँ। वहां कैसे पहुंच गई थी तुम? मुझे डाकू उठा ले गए थे। ओ, तुम्हें डाकू उठा कर ले गए थे, तो इसका ये मतलब हुआ कि डाकू चुपचाप तुम्हारे मकान में दाखिल हुए, नौकर चाकर चौकीदार सब सो रहे थे, तुमने भी शोर नहीं मचाया और खामोशी से डाकुओं के साथ चली गई, यही ना? ये बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं घर से निकली थी, अचानक डाकू पीछे से आए, मेरा मुंह बंद किया और मुझे उठा ले गए। कौन सी तारीख थी वो? मैं पूछता हूँ, कौन सी तारीख थी वो? 16 अक्टूबर। वक्त? रात के 11:30 बजे। तो गोया डाकू को पहले से मालूम था कि 16 अक्टूबर की रात को ठीक 11:30 बजे आप बाहर तशरीफ लाएंगी और वो बड़े आराम से आपको उठाकर ले जाएंगे। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। खैर कोई बात नहीं, अब ये बताओ कि जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए तो तुम्हारे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? आप उन दिनों विलायत गए हुए थे। मैं विलायत गया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो यहीं थे। मेरी बात का ठीक ठीक जवाब दो, जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए तो तुम्हारे घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। सच यह है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। मेरी बीवी उन दिनों बहुत बीमार थी, बहुत सख्त बीमार थी, सारे घर वाले उसकी तीमारदारी में लगे हुए। नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? मैं पूछता हूँ, सच क्या है? तुम्हें डाकू उठा कर ले गए, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं पूछता हूँ, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं, मैं सबूत कहाँ से लाऊं? जो डाकू मुझे उठा कर ले गए थे, उनमें से 2 पुलिस की गोली से मर गए और 1 पकड़ा नहीं गया। Your Honor, this point is to be noted down. मुल्ज़िमा का बयान है कि उसके 2 साथी पुलिस की गोली से मारे गए और 1 साथी अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो मेरे साथी नहीं थे, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मैं उन्हें जानती तक नहीं। तुम उन्हें नहीं जानती जिनके साथ तुम रही हो? मैं उनके साथ नहीं रही हूँ। लूट मार कत्ल खून और गारतगरी में सलिया है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और मेरे बारे में हर वो बात जानती हो जिससे तुम्हारा दूर का भी वास्ता नहीं। वास्ता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोलता हूँ जिसके 10 गवाह मौजूद है, और तुम सच बोलती हो जिसका कोई भी गवाह नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गीता हूँ, तुम्हारी गीता हूँ, तुम्हारी गीता हूँ। अगर तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम मेरी गीता हो, तो तुम कर्म धर्म को जरूर मानती होगी। तुम जानते हो मैं मानती हूँ। एक हिंदू स्त्री होने के नाते शास्त्रों में भी विश्वास होगा तुम्हें। तो ये बताओ, तुम्हारे सुहाग की निशानी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? जब तुम्हें डाकू उठाकर ले गए, उस वक्त यह मंगलसूत्र तुम्हारे गले में था? नहीं। तुम कैसी हिंदू स्त्री हो, अपने सुहाग की निशानी उतारकर तुम घर से बाहर निकलती हो? क्या तुम अदालत को यह बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? इसलिए कि वो मंगलसूत्र तुम्हारे पास नहीं है।
इसलिए कि वो मंगलसूत्र ना कभी तुम्हारे पास था और ना कभी होगा, इसलिए कि वो मंगलसूत्र मेरे पास है। ये मंगलसूत्र मेरी बीवी का है। दस्तूर तो यह है कि लाश के साथ साथ मंगलसूत्र भी जला दिया जाता है, लेकिन मैंने ये सदियों पुराना दस्तूर तोड़ दिया। जब लोग मेरी बीवी की लाश को उठाकर ले जाने लगे तो मैंने ये मंगलसूत्र उसके गले से उतार लिया, इसलिए कि उसके चले जाने के बाद जिंदा रहने का और कोई सहारा मेरे पास ना था। और आज तक ये मंगलसूत्र हर लम्हा हर वक्त मेरे पास रहता है। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये मंगलसूत्र मेरा है। वो कैसे? जिस दिन मेरे पति विलायत जाने वाले थे ये टूट गया था। मेरे और मेरे पति के सिवा इस बात को और कोई नहीं जानता। मंगलसूत्र के टूट जाने को बुरा शगुन समझकर ये विलायत जाना मुलतवी करने लगे थे। मैंने इन्हें समझाया और अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया। नतीजा ये विलायत जाने पर राजी हो गए। उसी वक्त मंगलसूत्र सुनार के यहाँ ले गए और उसे ठीक करवाया। छोड़िए ना। बताओ कौन है? पहचान लिया। छोड़िए ना। पहले नाम बताओ फिर छोड़ूंगा। कंगू। कलवा धोबी। नॉनसेंस। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम। छोड़िए ना ठाकुर साहब। हाँ, नाम लिया ना आखिर, लेकिन आधा नाम लिया। बिल्कुल बेशरम हो गए हैं आप, किसी ने देख लिया तो? छा गए हो जाने मन, छा गए हो, हमें खरीद लिया है तुमने। ये बात कहो तो भरी कचहरी में कह दें। एक तो इतनी देर से आते हैं, ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं। एक तो हुजूर की नौकरी करते हैं, ऊपर से ढेर सारी बातें सुनते हैं। मेरी कौन सी नौकरी की आपने? ये देखो। अरे बन गया। बताओ कहाँ से टूटा था? ब्यूटीफुल, बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन हम वलायत नहीं जाएंगे। फिर वही बात। तुम नहीं जानती मंगल सूत्र का टूटना बहुत बुरा शगुन होता है। और तो किसी शगुन को मानते ही नहीं, मंदिर ले जाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। आपको वलायत जाना होगा। एक शर्त पर। इधर आओ। तुम मेरे साथ चलोगे। फिर पढ़ाई हो चुकी है आपकी। इनसे पूछिए क्या ये बात ठीक है कि नहीं। क्यों ठाकुर साहब, मुलजमा का ये बयान दुरुस्त है? यस योर ऑनर, ये ठीक कहती है। अदालत कल पर मुलतवी की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये साइंस का जमाना ना होता तो मैं आपसे खुद कह देता कि ये औरत नहीं है, भूत है। देखिए ना, मंगलसूत्र कैसे टूटा, मंगलसूत्र कहां से बना, ठाकुर साहब कब विलायत जाने वाले हैं, हैरानगी तो ये है, ये सब बातें उसे मालूम है। ये तो ठीक है पीपी साहब, मगर मुझे सचमुच इसमें हैरानगी कोई बात नजर नहीं आती। अब देखिए ना कि जब घर के नौकर बाहर वालों से मिल जाते हैं तो छोटी छोटी सी बातें भी राज नहीं रहती, और फिर हमारे शहर में गिने चुने चार पांच तो सुना रहे हैं, किसी से भी पूछ लिया होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो समझता हूँ ये औरत जरूर कोई चुड़ैल या भूतनी है। मुंशी, मेरी बात मानिए सरकार, मैं आपको एक सच्चा वाक्या सुनाता हूँ जो हमारे ही गांव में हुआ था। एक खूबसूरत औरत थी, बहुत खूबसूरत, उसने एक पहलवान से शादी कर ली। बरसों उसके घर में रही, बच्चे हुए, और बाद में पता चला कि वो औरत थी ही नहीं। वो तो एक चुड़ैल थी। इंस्पेक्टर साहब, सच बात तो ये है, मुझे ठाकुर साहब से दिली हमदर्दी है। एक तो बेचारे की बीवी का इंतकाल, दूसरे सुबह से शाम तक उनके सामने एक ऐसी औरत खड़ी रहती है जिसके शक्ल हू बहू उनकी बीवी से मिलती है।
उसके दिल पे क्या गुजरती होगी ये भगवान ही जानता है। सूझी कैसे और जो लाइन ऑफ डिफेंस ने ली है उसमें और कुछ ना हो बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर मिल सकता है। मैं तो समझता हूं कि ये अचानक बात नहीं हुई है, बहुत लंबा प्लान है। इनके घर की एक एक बात उन लोगों तक पहुंचती रही। ये तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये बात करता कौन है? ठाकुर साहब, जब आप विलायत गए थे उससे पेशतर या उसके बाद
आपके घर में कोई नया नौकर या मेहमान आया था? जी नहीं। ताज्जुब है, वो औरत आपके बारे में इस कॉन्फिडेंस से बात करती है जैसे आपकी जिंदगी किताब उसके सामने पड़ी हो। जल्दी चलो, ठाकुर साहब बहुत गुस्से में, न जाने क्या ढूंढ रहे हैं, सारा सामान उलट पलट कर रखा है। चल। क्या हुआ बेटा? मौसी, मुझे डायरी नहीं मिलती। डायरी कहाँ है? कौन सी डायरी? गीता की डायरी, जिसमें वो हर रोज लिखा करती थी। मुझे मालूम नहीं बेटा। गीता की चीजों को किसी ने छुआ तो नहीं? किसी ने नहीं, उसकी एक भी चीज को किसी ने हाथ नहीं लगाया। सब चीजें वैसी की वैसी हैं। तो फिर वो डायरी कहाँ है? साहब, मैंने आपको बताया था ना जब आप विलायत गए थे कि घर में चोरी हुई थी, शायद वो डायरी उसी चोरी में। हाँ, तुम ठीक कहते हो, डायरी भी उसी दिन चोरी हुई होगी। हाँ, अब वो डायरी उस औरत के पास है, इसलिए वो मेरे बारे में, इस घर के बारे में, मेरी गीता के बारे में सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। 2 साल हो गए हम दोनों को एक साथ रहते, फिर भी वो मुझसे इस तरह प्यार करते हैं जैसे कल शादी हुई। ये क्या कर रहे हैं? किसी की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात होती है। मेरी डायरी दे दो। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुनो, तुम भी मेरी, तुम्हारी डायरी भी मेरी, तो अपनी चीज पढ़ने में क्या हर्ज है? नहीं, मुझे मेरी डायरी दे दो, मैं इन बातों में नहीं आने वाली। अच्छा ये बताओ, तुमने ये डायरी लिखना कब से शुरू किया? हमेशा से। तो आज पकड़ी गई। देखते हैं ठाकुर राकेश सिंह के बारे में उसकी बीवी ने क्या लिखा है। तंग मत करो, मुझे मेरी डायरी। ओह, ऑर्डर 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 इन द कोर्ट, सिट डाउन, दैट्स बेटर। जाने किस जन्म का पुण्य मेरे आगे आ गया है, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं इतना प्रेम करते हैं मेरी सांस रुक जाती है। सच एकदम मूर्खपति मिला है। मूर्ख लिखा है मैंने? अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करने वाले आदमी को आजकल के जमाने में मूर्ख कहते हैं। तुमने गलत लिखा था, मैंने ठीक कर दिया। तुम मूर्ख ही ठीक है, अपने हाथ से लिख लीजिए ना। लिख दूंगा बाबा, पहले आगे पढूं तुमने क्या लिखा है। कल वो स्कॉलरशिप लेकर विलायत जा रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कह नहीं सकती। वो तो जाने को मानते ही नहीं थे, मैंने मजबूर किया। अच्छा, आपने मजबूर किया, थैंक यू वेरी मच। मेरी इच्छा है कि वो इतने बड़े वकील बने, इतने बड़े आदमी बने कि दुनिया उनका मान करे, मगर इस खुशी में दुख भी मिला हुआ है। शादी के बाद मैं आज तक कभी उनसे अलग नहीं रही, एक पल के लिए भी नहीं। पूरे 1 साल के बाद मुझसे दूर जा रहे हैं, मीलों दूर। मैं ये जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे समझाऊंगी अपने मन को। सचमुच जा रहे हैं 1 साल के लिए? 1 साल क्या होता है गीता, बस यूं गया और यूं आया। अभी तक जो कुछ भी इस अदालत में कहा है उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तो शुरू से ही कह रही हूं कि मैं आपकी पत्नी हूं। चलो मान लिया कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें याद होगा तुम डायरी लिखा करती थी? हाँ, मुझे याद है।
और दिन भर के सारे वाकयात छोटे छोटे बड़े बड़े तुम उस डायरी में लिखा करती थी। हाँ, मैं छोटी से छोटी बात भी उसमें लिख लिया करती थी। और मेरे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत की बातें भी। हाँ। और वो सारी बातें, मेरा मतलब है मेरे बारे में वो सारी बातें जो तुमने अदालत में कही हैं, वो भी उस डायरी में लिखी हुई होंगी। हाँ, वो भी लिखी हुई थी। और तुम उस डायरी को इतनी हिफाजत से रखती थी, इतने प्यार से रखती थी कि मुझे भी हाथ तक नहीं लगाने देती थी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम उस डायरी को इतना प्यार करती थी, अगर तुम उस डायरी को इतनी हिफाजत से रखती थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त भी वो डायरी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ठीक है? तुम मेरी बीवी हो ना, तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था, तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो डायरी याद करो, वो डायरी तुम्हारे पास है ना? बोलती क्या रही? कहाँ है वो? जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई। तो उस वक्त वो डायरी घर में थी? हाँ। इस वक्त भी वो डायरी घर में होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। कहाँ है वो? मेरी अलमारी के सेफ में होगी। नहीं। कपड़ों की अलमारी के ऊपर होगी। नहीं। मेरे सूटकेस में होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां सूटकेस ट्रंक उलट पलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन डायरी तो मैंने वहीं रखी थी। यही तो मैं पूछता हूँ, कहाँ कहाँ रखी थी, किस जगह रखी थी? मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद नहीं आ रहा वो चीज जिससे तुम इतना प्यार करती थी, जिसे अपनी जान से ज्यादा अजीज समझती थी, जिसे हर वक्त अपने सीने से लगा रखती थी, वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही? कहाँ रखी थी? मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही, इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। नहीं, नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो, जो गांव में नाचने आई थी, जिसने पटेल पर चाकू से हमला किया था वो तुम थी, जिसने मेरे घर में डाका डाला था वो तुम थी, जिसने मेरी बीवी की डायरी चुराकर मेरी जिंदगी का हर राज जाना था वो तुम थी। तुम मेरी बीवी से मिलती जुलती हो, तुम उसकी हम शक्ल हो, इसलिए इस बात का फायदा उठाना चाहती हो, अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाना चाहती हो, एक शरीफ आदमी की इज्जत से खेलना चाहती हो, मेरी बीवी की जगह लेना चाहती हो। मगर आज आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है, तुम्हारा भ्रम खोल दिया है, अब तुम अदालत को धोखा नहीं दे सकती, कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। आज मैंने अदालत के सामने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम डाकू हो, खूनी हो, कातिल हो, कातिल हो। डालूंगी,
आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो कर दिया जब उदास। जिंदगी ने कर दिया जब उदास। आ गए घबरा के हम मंजिल के पास। सर झुकाया सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई। हर तरफ गम की उदासी छा गई। दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जाता नहीं गम जुदाई का सहा जाता नहीं। आपके बिन अब रहा जाता नहीं। प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए। दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। सरदार जी आपका नाम? जी अपना नाम सरदार अजीत सिंह जी, ते एरा दा नाम चौधरी करनैल सिंह। आप कहाँ से आए हैं? लो जी की वे पुछते भाई घरों आए और कितों आए साहब जी? मेरा पूछने मतलब है आप किस शहर से आए हैं? ते अंज पूछो ना, असि जी तरन तार तो आए हैं जिला अमृतसर। सरदार जी यहाँ दस्तखत कर दिए भाई। दस्तखत वस्त तो नहीं आते अपने साहब, आप खेतीबाड़ी बेच के शहर के मौके वेखन आए। अंगूठा है जे कहते तो अंगूठा ला देंगे। अच्छा अंगूठा लगा दीजिए। हाँ जी लाइए। कितने ला कितने लाइए साहब? लगा दीजिए। इतना ला दी ये आप कमरे में दस की चाबी। किधर जाइए जी साहब? कमरा दिखा दो। चल भाई आगा चल चल भाई। साहब जी मेरी पेशीन गोई है कि ठाकुर साहब एक दिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील साबित होंगे। सही फरमाते हैं। अब देख लीजिए इस मुकदमे को क्या पलटा दिया, यानी रुख ही बदल दिया। अरे साहब वो जिरा करते करते मुजरिम को ये यकीन दिला देते हैं कि वो कमजोर हो गए, केस हार गए, और उसके बाद जो रुख बदलता है तो मुलजिम हक्का बक्का रह जाता है। हक्का बक्का नहीं साहब, लोग पागल हो जाते हैं। देख लीजिए इस औरत को। डॉक्टर साहब को याद होगा मैंने यही कहा था कि उस औरत ने सब गलती की है ठाकुर साहब को अदालत बुलाने की। अब देख लीजिए नतीजा, पागलखाने पड़ी। अब हाल क्या है उसका बीबी सर? भाई वो पागलखाने का डॉक्टर कहता है कि वक्ती दौरा है और ठीक हो जाएगी। लेकिन अंजाम क्या होगा? अंजाम वही होगा जो होना चाहिए। उसने अदालत में तस्लीम किया है कि मैं डाकू हूं। दैट मींस फांसी। डॉक्टर आप मुझे फांसी देंगे ना? कब देंगे फांसी? कैसी फांसी? तुम्हें कोई फांसी वासी नहीं देगा। लेकिन मैं मरना चाहती हूँ, बहुत जल्दी मरना चाहती हूँ।
मगर मरने से पहले मैं एक बार अपने पति से मिलना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छे। हाँ हाँ, जरूर मिलना, हम मिलवाएंगे तुम्हें। मुझे एक बार उनसे मिलना है, फांसी लगने से पहले सिर्फ एक बार। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी डायरी कहाँ है? डॉक्टर मेरी डायरी कहाँ है? मुझे मेरी डायरी चाहिए। मेरे पति मुझे झूठा समझते हैं, मुझे घर नहीं आने देंगे, मुझे बात नहीं करेंगे। डॉक्टर, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मेरी डायरी कहाँ? डायरी चाहिए, मेरी डायरी कहाँ? मुझे डायरी चाहिए। बस बस बस, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मिल जाएगी डायरी? डॉक्टर, आई थिंक यू नो शी कैन बी क्योर्ड, और बहुत ही जल्दी। आप एक काम कीजिए, टुमारो यू ट्राई इलेक्ट्रिक थेरेपी ऑन हर। यस, ऑलराइट डॉक्टर, यू बेटर डू इट इन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सरदार, तुम कहां मौत के मुंह में फंस गए? चारों तरफ पुलिस है और तुम्हारे ऊपर इनाम भी है, और उस तलक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। उस तक पहुंच के हम करेंगे भी क्या? उसकी मदद तो हम कुछ कर नहीं सकते, बेकार में खुद ही फंस जाएंगे हम। चुप रहो, तुम सबको अपनी अपनी जान की पड़ी, इतना भी नहीं जानते वो औरत कितने आदमियों का सामना कर रही है। एक तरफ सरकारी वकील तरह तरह के सवाल करते हैं, सब उसके खिलाफ है, कोई भी हमदर्द नहीं बेचारी का। आखिर आखिर वो एक औरत है, कहां तक सबका मुकाबला करेगी? तो फिर आप बतलाइए करें क्या। बस उस तक ये खबर पहुंचा दें, हम उसके करीब हैं, शहर में हैं, ताकि वो बिल्कुल ना घबराए और इसी तरह जमी रहे। एक दिन ठाकुर को मानना ही पड़ेगा, वो उसी की बीवी है। And put her on to vitamin therapy. I'm certain about it, it will show some results. अब देखते हैं ये लड़की कैसी है। How are you, young lady? अच्छी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता बैठे बैठे क्या करूँ। ठीक ही तो कहती हो, इस तरह खाली बैठोगी तो जी घबराएगा ही, हम क्या करूँ। देखो ये शीशे कितने धुंधले हैं। नर्स, एक कपड़ा दो इन्हें, इन शीशों को ही साफ कर दिया करो। देखो काम करोगी तो थक जाओगी, थक जाओगी तो नींद आ जाएगी, ठीक है ना? गुड नाइट। चलो यहां आओ, यहां आओ, बैठ जाओ। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हैं? ऐसी बातें नहीं किया करते, समझी मेरी बात, हैं? और अगर तुम ऐसा ही करोगी तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, समझी? नाउ बी ए गुड गर्ल, हैं? बी ए गुड गर्ल एंड बी क्वाइट। सिंह साहब, सुना आपने? कहा, क्या हुआ? डाकू सूर्य वीर सिंह शहर के अंदर मौजूद है। ओ, मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। आपको मालूम था? बहुत पहले से। लेकिन उसके आने का मकसद? उसके आने के दो मकसद हो सकते हैं, एक तो ये कि ठाकुर साहब को खत्म कर दे ताकि ये औरत चुपचाप उनके तमाम जायदाद की मालिक बन बैठे। ऑन द अदर हैंड, अगर उसका ये खेल कामयाब ना हो तो इस औरत को खुद खत्म कर डाले। लेकिन क्यों? इस डर से कि कहीं हम इस औरत से उनके तमाम ग्रोह का पता ना चला लें। खैर कोई बात नहीं, तुम ठाकुर साहब के यहाँ गार्ड बैठा दो और ठाकुर साहब से कहना जरा होशियार रहने। ओके।
नरगम, ऊपर जाकर राकेश से कह दो इंस्पेक्टर साहब मिलने आए हैं। बैठो, आज तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाएंगे। क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और कल सवेरे वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। कौन? ठाकुर साहब? लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वो डायरी कहाँ रखी है, और वो मेरी बात नहीं मानेंगे, और जब तक वो मेरी बात देखो, नहीं माने। हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम ठीक हो गई हो, अगर तुम ऐसी ही बातें करोगी तो तुम्हें यही रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, तुम जानती हो कि तुम कौन हो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम ठाकुर साहब की बीवी नहीं हो। तुम्हारी पूरी कोशिश के बावजूद भी तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी। क्यों? इसलिए कि तुम गीता नहीं रायना हो। डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल कर लेना चाहिए और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। अभी तुम जवान हो, सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है, क्यों ना तुम चोरी और डाके के अंधेरे जीवन से निकलकर हमेशा के लिए एक नई जिंदगी अपना लो। तुम पागलखाने से भाग आई। पुलिस स्टेशन? पुलिस को ना बुलाइए, सिर्फ एक मिनट दीजिए। आपको आपको अपनी गीता की कसम। क्या है? काश मैंने वो झूठ ना बोला होता, वो एक झूठ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन सा झूठ? वो झूठ जिसे लेकर मैं आपकी जिंदगी में दाखिल हुई। आज तक इसलिए नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया
क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोचा अगर मैं अपनी असलियत बता दूंगी तो आपके खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझे छोड़ देंगे। वो कौन सी असलियत है जिसके बताने से मेरे खानदान की इज्जत को दाग लग जाता? मैं तुमसे नफरत करने लगता तो मैं छोड़ देता। असलियत ये है कि मेरी माँ एक आवारा और बदकार औरत थी, मेरी एक जुड़वा बहन भी थी, बिल्कुल मेरी हमशक्ल, हूबहू जैसी मैं हूँ। मेरी माँ की तरह वो भी आवारा बन गई और घर से भागकर एक डाकुओं के गिरोह में मिल गई। उसके चले जाने के बाद मेरी माँ मुझे भी इस आवारगी में डालना चाहती थी। तंग आकर मैंने खुदकुशी करने का इरादा किया। जब मैं आत्महत्या कर रही थी तो आप जिंदगी बनकर सामने आए और मुझे बचा लिया। दरअसल मैं ही आपकी बीवी हूँ, वो औरत जिसने आपके हाथों में दम तोड़ा, जिसे आपने अपने हाथों से चिता में रखा, वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन थी। ये उन दिनों की बात है जब आप विलायत गए हुए थे। एक रात, काफी रात हो चुकी थी, पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई। क्या चाहिए? दरवाजा खोलो जल्दी। गीता दीदी, 2 दिन से भूखी हूं मैं, दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं, मुझे बचा लो, मुझे एक रात के लिए आसरा दे दो, मैं कल चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक रात के लिए। बदन तेज बुखार से तप रहा था, मुझे यही डर था अगर घर का कोई आदमी ऊपर आ गया तो क्या जवाब दूंगी। निशा की बात किसी को मालूम नहीं थी, आपको भी। Thank you.
रात आंखों ही आंखों में काटती। जैसे ही सवेरा हुआ मैं डर गई कि कोई ऊपर ना आ जाए, कहीं ये भेद न खुल जाए। मौसी, क्या है बहू? मैंने आज व्रत रखने के लिए सोचा है। आज क्या है? मैंने उनके लिए सोचा है। कितनी अच्छी है मेरी बहू, वो वहां विलायत में है और मेरी बेटी यहाँ फिक्र में है। चांद निकलने तक मैं गीता का पाठ करूंगी, ऊपर कोई ना आए। अच्छा तू जा, कोई ऊपर नहीं आएगा, जा। जब फिर रात हुई तो निशा की हालत पहले से भी खराब हो गई। उसका बुखार उतरने के बजाय और तेज हो गया था। मेरी समझ में नहीं आता था क्या करूं, उसे इस हालत में और छुपाना मुश्किल था। मैं जानती थी कि सवेरा होते ही कोई ना कोई ऊपर आ जाएगा और निशा का भेद खुल जाएगा। मैं बहुत घबराई, डॉक्टर को बुलाऊं तो सारे घर को पता चल जाएगा। फिर सोचा कि खुद ही जाकर कोई दवा ले आऊं ताकि सवेरा होने से पहले निशा ठीक हो जाए और यहाँ से चली जाए। मैंने अपनी एक साड़ी निकालकर उसे दी और कहा, निशा उठो, मेरे कपड़े डाल लो, मैं दवा लेने जा रही हूँ। अगर कोई आए भी तो चुपचाप पड़े रहना, उठो। पहन लो निशा, अगर कोई ऊपर आया भी तो यही सोचेगा कि मैं लेटी हुई हूं। अगर तुमने अपने कपड़े उसे पहना दिए थे तो वो कपड़े कहाँ हैं जो तुम्हारी बहन ने पहन रखे थे? वो कपड़े यही हैं। आइए मेरे साथ। इस ऊपर वाले खाने में है। छुपाने गई तो डैडी उनके साथ चली गई होगी। हाँ, अब तो आपको याद आ। मान गए तुम्हें। ये कपड़े कब रखे थे? ये डायरी कब रखी थी? नाटक खूब खेला है तुमने। नहीं, नहीं, मैंने कोई नाटक नहीं खेला। चुप रहो! मैं जानता हूं तुम्हारे कई आदमी इस शहर में फैले हुए हैं। पहले इस डायरी का कपड़ों में छुपा कर रखना, फिर किसी का पागलखाने में आकर तुम्हें बताना, और तुम्हारा भागकर यहाँ आना ये साबित करने के लिए कि डायरी घर में मौजूद है, ये नाटक नहीं तो क्या है? यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। देखिए, ये मेरी माँ है, वो मेरी जुड़वा बहन निशा, और ये मैं हूँ, ये हमारे बचपन की तस्वीर है। कुछ पता चला? समाधि के पीछे। ओ। काम करो, तुम लोग उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, मगर याद रहे
मेरे फायरिंग के साथ क्रॉस फायरिंग होनी चाहिए। बाहर आदमी है ना? बिल्कुल साहब, कंपाउंड के बाहर गया तो भून दिया जाएगा। बिल्कुल चलो। ठाकुर साहब, डाकू सूर्यवर सिंह कंपाउंड में है, ऊपर ही रहिएगा, नीचे मत आइएगा। गोली तो उसको लगी है, लेकिन ये लड़की क्यों बीच में आ गई? गोली मत चलाओ, इस लड़की को लग जाएगी। मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आप पीछे हट जाइए, यहीं खड़े रहिए। आप लोगों को शक है, मैं ठाकुर हूं, क्या कहना चाहते हो मुझे? ठाकुर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता था, आपकी पत्नी जिंदा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ ठाकुर साहब, आपकी पत्नी जिंदा है, यही है आपकी पत्नी। और ये जो समाधि आप बनाए बैठे हैं ठाकुर साहब, ये मेरी निशा की है, मेरी पत्नी की। निशा मुझसे नाराज रहती थी, वो चाहती थी मैं ये लूट मार का धंधा छोड़ दूं। एक दिन वो मुझे छोड़ शहर भाग आई। मैं निशा को लेने शहर आया और धोखे से गीता बहन को उठा ले गया। गीता बहन, मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा है, मुझे मुझे माफ कर देना। निशा, मेरी निशा, निशा।